हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवीना रसोई में स्वागत है। देखिए आज हम बनाएंगे गुंजिया गांव के स्टाइल में सिंपल और खस्ता। बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी गुंजिया तैयार हुई है। हमने शेक लिया है इनको। बनाने के लिए हमें क्या करना है, सूजी को भून लिया है, हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ब्राउन करना है। उसके बाद मैंने मैदा लिया है, उसमें मोइन के लिए घी डाला है। ऐसे हम थोड़ा घी ले लेंगे गरम करके और उसको अच्छे से मस लेंगे पूरे आटे मैदा में, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे दोनों हाथ से उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें आटे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद लेंगे अच्छे से। ऐसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे पानी, एक साथ डालेंगे तो हमारा पतला हो जाएगा। हमें टाइट आटा लगाना है। अब बीच में हमें थोड़ा थोड़ा घी डालते रहना है जिससे हमें आटे में मॉइस्चराइज़र बना रहे और पूरी अभी हमारी नरम आए। इसके बाद हम अपनी फिलिंग बनाएंगे। सूखा नारियल कद्दू कस कर लिया है, जो सूजी हमने भूनी थी उसको भी डाल लिया है। इसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन दोनों को। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा खोआ, जितना आपके पास है उतना खोआ डाल सकते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम, घर पे भी बना सकते हैं, दुकान से ला सकते हैं। इसको भी हम डाल लेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह हमें मिक्स करने के बाद इसमें मीठा भी डाल लेंगे। और हमने फिर आटे की लोई बना ली है। ऐसे हम लोई बना बना के रख लेंगे और बेलते रहेंगे, साथ में फिलिंग को भरते रहेंगे। हमने उसमें मीठा भी डाल लिया था, अच्छे से मिक्स करके फिलिंग तैयार कर ली है। अब हम इसको भरेंगे। हमने पूरी बेल लिया है, अब इसको हम भर रहे हैं फिलिंग। देखिए ऐसे चारों तरफ थोड़ा मैदा का घोल बनाएंगे। लगाने के बाद ऐसे हमने मशीन लिया है गुंजिया बनाने की, और इसको हम बंद कर देंगे देखिए इस तरह से, और थोड़ा दबा के। और एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देंगे। आप फिलिंग में ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं देखिए, और खोआ डालने से हमारी और भी गुंजिया खस्ता बनेगी और टेस्ट भी आएगा। इस तरह से हम एक्स्ट्रा को निकाल देंगे और इनको हम पहले एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, पहले इस तरह एक कपड़े पे हम इनको ढक के रख लेंगे। इस तरह से हमने सबको बना लिया है और हम एक कपड़े पे ढक के इसको ऐसे ढक के रख लेंगे। अब फ्राई कर लेंगे धीरे धीरे। पहले हमें पूरे गुंजिया बना के तैयार करनी है, उसके बाद फ्राई करनी है। एक साथ के साथ फ्राई करेंगे तो हमारी गुंजिया अच्छी नहीं बनेंगी। इस तरह से हम ऑयल में रिफाइंड में उसको फ्राई कर लेंगे देखिए इस तरह से। अल्टी पुल्टी करके इनको हल्का ही सेकना है, ज़्यादा लाल नहीं करना हमें इन्हें इस तरह से। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। देखिए इस तरह हमने सभी गुंजिया को निकाल लिया है, अपनी तैयार कर लिया है। लीजिए आप भी खा लीजिए गुंजिया। देखिए हमारी बनकर कितनी अच्छी तैयार हुई है। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप भी इंजॉय कीजिए, आप भी बना के खाइए त्योहारों पे। बाय।